मैंने एमबीबीएस किया 2000 में राजस्थान से, एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर से. देन उसके बाद में मैंने एमएस किया 2003 में, वो भी राजस्थान से, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर. एसएमएस मेडिकल कॉलेज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और बहुत ओल्ड मेडिकल कॉलेज है. वहाँ से मैंने एमएस किया. एमएस करने के बाद में मैंने डॉक्टर पी के सेठी के साथ में एक साल काम किया. नाउ ही इज़ लेट डॉक्टर पी के सेठी. डॉक्टर पी के सेठी, इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट जयपुर फूड, डॉक्टर सेठी वॉज इनोवेटर ऑफ जयपुर फूड. एंड सुधा चंद्रन को जो आर्टिफिशियल फूड लगा है वो जयपुर फूड है. मयूरी नाचे नाचे मयूरी. ओके, सो उनके साथ में एक साल काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. उनके साथ एक साल काम करने के बाद में मैंने एक मेडिकल कॉलेज में काम किया हरियाणा में. और वहाँ से जब मैंने कुछ दूसरा करने की सोचा तो एक्सीडेंटली मैं अहमदाबाद में आ गया. एंड दिस प्लेस इज सो लवली कि मैं 6 महीने के लिए आया था यहाँ पर जाने का मन ही नहीं किया. यहाँ मैं नवंबर 2005 में आया शेल्बी हॉस्पिटल में और विक्रम भाई के साथ में. सो 6 महीने के बाद में वापस जाना था पर नहीं जा पाया. अहमदाबाद के लोग और अहमदाबाद का फूड. से 2010 तक मैंने सेल्बी हॉस्पिटल में काम किया और वहाँ से मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करने का सोचा. 2010 से 2013 तक डिफरेंट हॉस्पिटल्स, स्टर्लिंग हॉस्पिटल, राजस्थान हॉस्पिटल एंड वेरियस अदर हॉस्पिटल्स में फ्रीलांसिंग काम करता था. जहाँ भी पेशेंट बोलता था कि मेरे को इस हॉस्पिटल में ऑपरेट करवाना है, उस हॉस्पिटल में ऑपरेट करता था. बट मैंने ये सोच पाया कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल में जा करके यदि ऑपरेट करते हैं तो पेशेंट को जो केयर मिलनी चाहिए वो नहीं दे सकता हूँ मैं. सो मैं एक ऐसा स्थायी प्लेस ढूंढ रहा था कि मेरे को ऐसा कोई हॉस्पिटल मिल जाए जहाँ पे एक ही जगह पे काम करूँ मैं और वहीं से मेरे को सारे पेशेंट्स का वहीं जो भी ऑपरेट करना हो वहीं पे करूँ और दूसरे भी ट्रीटमेंट करने हो तो वहीं पे करूँ. तो लकीली नारायणा हॉस्पिटल रखियाल में मेरे को प्लेस मिला. एंड उस टाइम उसके सीईओ डॉक्टर सागर नायर थे, उन्होंने मेरे को वहाँ अपॉर्चुनिटी दी. वहाँ पे मैंने लगभग 1.5 साल काम किया. फिर डॉक्टर नायर वाज शिफ्टेड टू जायडस हॉस्पिटल एंड देन ही ऑफर्ड मी कि वो बहुत दूर है तो इधर तू आ जा, तेरा घर भी पास में ही है. और तो वो मेरे को यहाँ ले आए जायडस हॉस्पिटल में. I worked there for 7.5 years from 2015 to 2022. During this period, I have established a department of joint replacement in Zydus Hospital. Initial first year में हमने लगभग 100 सर्जरी की थी और जब मैंने छोड़ा तो लगभग 500 सर्जरी पर मंथ पर ईयर कर रहे थे. कोविड आया बीच में डिफरेंट सेटबैक मिले गए, फिर पटरी पे आई गाड़ी चाहे हो गए. सो स्टिल वी कुड रीच टू दैट लेवल. ड्यूरिंग दिस पीरियड आई हैव डेवलप्ड माय ओन टेक्निक इन जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड दैट टेक्निक इज ट्रू अलाइन टेक्निक. आजकल आपने बहुत देखा होगा, आप सुना होगा कि रोबोटिक सर्जरी कौन सी टेक्निक से करते हो, कंप्यूटर नेविगेशन से करनी है या रोबोटिक से करनी है या नॉन रोबोटिक से करनी है. तो उन सब का बेसिक पर्पस क्या है कि एक्यूरेसी, एक्यूरेट और प्रिसाइज जॉइंट रिप्लेसमेंट कैसे हो. सो उसके लिए मैंने लगभग 2016 में
ये मेरी टेक्निक लॉन्च की थी, ट्रू अलाइन टेक्निक, इसके बारे में हम अपनी डिटेल में बाद में बात करेंगे। इसी के बेसिस पे मैंने एक और प्रोग्राम इनिशिएट किया था, दैट इज वन डे TKR, वो भी जाइडस हॉस्पिटल में स्टार्ट किया था एंड स्टिल वी आर फॉलोइंग दैट। वन डे TKR मीन्स आज मॉर्निंग में सर्जरी करेंगे एंड दूसरे दिन डिस्चार्ज कर देंगे। यूजुअली जॉइंट रिप्लेसमेंट में जो हॉस्पिटल स्टे होता है 3-4 दिन होता है, कई हॉस्पिटल में 5 दिन भी होता है। मीन्स पेशेंट इतना सफिशियंटली एबल हो जाए कि वो घर पे अपने आप को अपने आप से मैनेज कर सके, तो ऐसा जब हो जाता है तब हम यूजुअली डिस्चार्ज करते हैं। बेस्ड ऑन माई टेक्निक हमारे पेशेंट की मैंने देखा कि रिकवरी थोड़ी फास्ट हो रही है, और सो काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे थे जो विद इन वन डे ही इतने रिकवर हो जा रहे थे कि ऑपरेशन के बाद में वो घर अपने जा करके अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड दैट प्रोग्राम ऑल्सो, वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो इन डिटेल इन आवर प्रेजेंटेशन। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड नाउ इन आफ्टर 2022 आई लेफ्ट जाइडस हॉस्पिटल to start my own hospital, but unfortunately I could not get it started. So then I joined SIMS Hospital as head of the department of orthopedic surgery and joint replacement program. And this is my fortune that I met people like Dr. Kewali, and through him I met you. Thank you Dr. Kewali. So this is a brief introduction about me. Now about our presentation. Today's talk will be around osteoarthritis. What is osteoarthritis? What is healthy joint? How osteoarthritis can be prevented? And what are the treatment modalities for osteoarthritis? Early osteoarthritis है तो क्या कर सकते हैं? Delayed osteoarthritis है तो क्या कर सकते हैं? We'll talk about that. So coming to the healthy joint. So healthy joint, number one, क्या होता है और क्यों जरूरी है और हम उसको joint की health को कैसे promote कर सकते हैं और healthy joint कैसे achieve कर सकते हैं। If यदि हम knee की बात करें तो knee joint जो है वो थाई बोन, लेग बोन और एक नी कैप पटेला, इन 3 बोन से मिलकर बना होता है। और उसके बोन के एंड जो होते हैं उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। इन दोनों बोन्स के बीच में मेनिस्कस होती है और वेरियस लिगामेंट्स होते हैं, साइड में भी लिगामेंट्स होते हैं जो होल्ड करते हैं दोनों बोन्स को। और ये ऑप्टिमल होने चाहिए तो ही नी जॉइंट फंक्शन करता है प्रॉपरली। इसको हम अर्ली लाइफ में कैसे, जैसे हम मसल्स की बात करते हैं कि हमारी बॉडी मस्कुलर होनी चाहिए, फैट नहीं होना चाहिए, उसी तरह से जॉइंट भी हेल्दी होना चाहिए। यदि जॉइंट हेल्दी होगा तो हमें पूरे लाइफ लॉन्ग तक वो हेल्दी रखेगा। और एक हेल्दी जॉइंट है जो आप अपने सबकी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल हेल्थ में इक्वली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि यदि हमारा जॉइंट काम नहीं कर रहा है, हिप जॉइंट है या नी जॉइंट है, तो हमारी लाइफ कैसी होगी? सो यदि हार्ट अच्छा है, ब्रेन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो भी हम नाइदर वी कैन बी हेल्दी मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली। सो हेल्दी जॉइंट इज वेरी इसेंशियल। एंड नाउ इसकी हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए सो दैट कि हेल्दी जॉइंट अर्ली लाइफ में यदि अचीव कर सके तो वो हेल्दी जॉइंट पूरी लाइफ तक बना रहे, ताकि हमें किसी भी जॉइंट रिलेटेड कोई भी तकलीफ नहीं हो। उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है अर्ली लाइफ में सबसे पहले न्यूट्रिशन, विटामिन डी, एडिक्वेट प्रोटीन एंड ग्लूकोसामिन्स।
और ये विटामिन डी नेचुरली अवेलेबल है, तो हम अपने बच्चों को, अपने यंग पीपल को यदि हम प्रमोट करते हैं कि यदि आप बाहर आउटडोर एक्टिविटी करो, विटामिन डी एडिक्वेट मात्रा में लो, कैल्शियम एडिक्वेट मात्रा में लो, जिसमें डेयरी मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट से मिल सकता है, और साइमल्टेनियसली प्रोटीन और डिफरेंट अदर रिक्वायरमेंट है वो भी एडिक्वेटली यदि लेते हैं तो हम हेल्दी जॉइंट को अचीव कर सकते हैं, जॉइंट हेल्थ एक लेवल पे अचीव कर सकते हैं, और वो जॉइंट हेल्थ पूरे लाइफ लॉन्ग चल सकती है। साथ साथ एक्सरसाइज में जॉइंट जो होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, नंबर वन फ्लेक्सिबिलिटी, और दूसरी उसके सराउंडिंग मसल्स है उनकी मसल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, और दोनों ही चीज एक्सरसाइज से अचीव कर सकते हैं। सो इम्प्रूव एक्सरसाइज टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज स्ट्रेंथन मसल्स। एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द ब्लड सप्लाई टू द जॉइंट। सो जो भी हम खाते पीते हैं वो जॉइंट तक पहुंचेगा कैसे, ब्लड के थ्रू पहुंचेगा, और उसको ब्लड सप्लाई कैसे इम्प्रूव होगी, वो एक्सरसाइज से बेटर हो सकती है। सो एक्सरसाइज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल वेट। यदि हम एक्टिव है तो हमारा जो भी खाते पीते हैं उससे वेट इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, वेट ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो जॉइंट हेल्थ अच्छी रहेगी। वेट एक ऐसी चीज है जो एक हाइड्रा हेडेड है, उसके काफी रेमिफिकेशंस है, बॉडी के हर ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। यदि ज्यादा वेट है तो उसे हार्ट ब्रेन से लगा करके अपना लीवर गोल ब्लैडर सब इफेक्ट होते हैं, इवन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गोल स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सिमिलरली ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो एक्सरसाइज हम करते रहेंगे रेगुलरली तो वेट कंट्रोल में रहेगा और हम एक अच्छे रिक्वायर्ड हेल्थ ऑफ द जॉइंट अचीव कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे मैंने बताया था कि जो हेल्दी जॉइंट है उसमें जो बोन है, बोन के एंड्स है, दे आर कवर्ड विद आर्टिकुलर कार्टिलेज, एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो डैमेज होना चालू हो जाती है। जब वो डैमेज होना चालू हो जाती है तो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, गैप कम हो जाता है। सो ये जो कार्टिलेज है वो एक्सरे में दिखती नहीं है, तो नॉर्मली एक्सरे में गैप दिखता है जब नॉर्मल होता है, और जब ये कार्टिलेज डैमेज हो जाती है तो बोन से बोन टच होने लगती है तो गैप कम हो जाता है। और साथ साथ में जैसे मैंने बताया था कि लिगामेंट्स होते हैं, मेनिस्कस होती है, वो भी सारी डिजनरेट हो जाती है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट हेल्थ है वो खत्म हो जाती है, और ये कैसे होता है, एजिंग के साथ में होता है। जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, मोतिया आता है, कैटरेक्ट होता है, और बॉडी के दूसरे अंग जैसे डैमेज होते हैं, वैसे ही एज के साथ साथ में जॉइंट भी वेरियस इंजरीज एजिंग प्रोसेस उसके कारण से ऑस्टियोआर्थराइटिस होना चालू हो जाता है। कुछ फैक्ट्स ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, ये हाईली प्रेवेलेंट है, और एक सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 65 से ऊपर जो पॉपुलेशन है उसमें लगभग 50% लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। सो 65 से ऊपर कितनी पॉपुलेशन है, 7.5%। सो यदि अपने 140 करोड़ लोग हैं तो उसका 7.5% 165 से ऊपर है, और उसका 7.5% कितना हुआ, 10 करोड़। सो 10 करोड़ का ये आधा करें 50%, 5 करोड़, और इससे भी थोड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट करें तो लगभग 3 करोड़ लोगों को, 3 से 4 करोड़ लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस है एट प्रेजेंट, जो 65 से ऊपर है। और उन 3 करोड़ लोगों में से, ये तो मैं 65 से ऊपर की बात कर रहा हूं, काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 65 से कम भी है उनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है,
सो और 60 ये 3 करोड़ लोगों में से यदि एक अगेन कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगभग 1 करोड़ लोगों को जॉइंट रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है इंडिया में. सो दिस इज द फैक्ट अबाउट प्रेवलेंस ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस इन इंडिया. फीमेल्स आर मोर कॉमनली अफेक्टेड. फीमेल्स में क्यों कॉमनली अफेक्टेड होती है? जैसे मैंने एक स्टडी किया था, उसमें लगभग 300 पेशेंट का स्टडी किया था, उसमें 200 पेशेंट फीमेल एंड 100 मेल. तो लगभग 66% फीमेल जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए आती है और 33% मेल. मेल्स फीमेल्स में क्यों ज़्यादा कॉमन होता है? क्योंकि फीमेल्स में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो मेनोपॉज के बाद है, वो जॉइंट के लिए हेल्दी होता है, जॉइंट के लिए प्रोटेक्टिव होता है, और आफ्टर मेनोपॉज वो जॉइंट के लिए उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है. सो आफ्टर मेनोपॉज आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी फीमेल्स ऐसी होती है जिनको जॉइंट में पेन होना चालू हो जाता है. दूसरा, फीमेल्स अपनी सोसाइटी में ऐसा ही है कि फीमेल्स यूजुअली थोड़ा न्यूट्रिशनली इवन इन एफ्लुएंट फैमिलीज कम खाते हैं, कम सबका ध्यान रखती, खुद का ध्यान नहीं रखती. सो मैंने बताया था पहले कि न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द जॉइंट. सेकंड रीजन ये है. थर्ड रीजन, क्योंकि खुद का ध्यान नहीं रखती है तो एक्सरसाइज भी नहीं करती है खाने पीने के साथ साथ में. सो एक्सरसाइज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. मेल्स भी बाहर एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं तो भी बाहर जाते हैं, काम के लिए जाते हैं बाहर. सो उनका नेचुरल एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, आउटडोर भी एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा जाती है. फीमेल्स की आउटडोर एक्टिविटीज रिलेटिवली कम होती है. सो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये रोल प्ले करते हैं हाई प्रेवलेंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इन फीमेल्स. सो फीमेल्स अगेन अपनी वो सारी चीज चेंज कर सकती है यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचना है तो. दो तो मेनोपॉज है, अर्ली मेनोपॉज हो जाता है या एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी है, उसको हम कुछ हद तक तो रिप्लेसमेंट से कर सकते हैं, बट अगेन वो टीडियस जॉब है. सो उसको उसका जो इफेक्ट रहेगा वो रहने वाला है. बट यस, जो दूसरे प्रिवेंटिव मेजर्स है जैसे डाइट है या एक्सरसाइज है, वो यदि रेगुलरली करें तो अगेन उसका इंसिडेंस कम किया जा सकता है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इम्पेयर्ड मोबिलिटी. यदि आप अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो हम यदि लोकोमोशन है, यदि हम मोबिलिटी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है. जैसे स्ट्रोक हो गया उससे मोबिलिटी कम होगी, हार्ट अटैक हो गया उससे मोबिलिटी कम होगी, सिमिलरली इससे भी मोबिलिटी कम हो जाती है और ये मोस्ट कॉमन कॉज है मोबिलिटी डिस्टर्ब करने का. इसके कारण से जैसे पेन होता है और पेन के कारण से स्लीप डिस्टर्ब होती है, और स्लीप डिस्टर्ब होती है तो लगभग सारे बॉडी में दूसरे सारे एक्टिविटीज, उसका ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, स्ट्रेस है, सब एग्रेवेट होने लगते हैं और सब दूसरी बीमारियां आने लगती हैं. एंड उसके कारण से काफ़ी दूसरी या तो दूसरी डिजीज आने लगती है या उनकी सीवियरिटी बढ़ जाती है. और एक रफ एस्टिमेट के अनुसार यदि 100 आदमी ऐसे लें जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है और 100 आदमी ऐसे लें जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, तो ऑल कॉज मोर्टालिटी है वो इन ऑस्टियोआर्थराइटिस में लगभग 50% ज़्यादा है. लेट्स से कि यदि हम 100 आदमियों को 60 साल या 70 साल के 100 आदमियों को फॉलोअप करें 5 साल तक, और एक ग्रुप में 10 लोग यदि एक्सपायर होते हैं इन 5 ईयर में, और तो दूसरे ग्रुप में 15 लोग एक्सपायर होंगे. सो 50% मोर्टालिटी इंक्रीज हो जाती है यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो. सिमिलरली इट हैज मेनी रेमिफिकेशंस एज आई टोल्ड यू, फिजिकल, साइकोलॉजिकल. इवन आपने देखा होगा कि पेन है तो अपने सोशल फंक्शन में भी नहीं जा सकते, फैमिली ऑब्लिगेशंस कंप्लीट नहीं कर सकते, तो काफी सारे सोशल रेमिफिकेशंस होते हैं. कमिंग टू द रिस्क फैक्टर, कि इसके होने के क्या क्या रिस्क फैक्टर है, और यदि वो रिस्क फैक्टर को आपने जाने तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम.
सो सिडेंटरी लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर. अगेन एक्सरसाइज यदि हम रेगुलरली करते हैं तो इसको हम काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं. ओबेसिटी अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर. हॉर्मोनल डेफिशिएंसी एज आई टोल्ड यू आफ्टर मेनोपॉज इन फीमेल्स. माल अलाइनमेंट काफी लोगों को देखा होगा कि ऐसे बोर्ड लेग होते हैं या नोक नहीं होते हैं, उन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. सिमिलरली इंजरीज किसी भी प्रकार की हुई, स्पोर्ट्स इंजरीज जैसे मेनिस्कस फट गया है, लिगामेंट टूट गया है या उस किसी कारण से दूसरे कार्टिलेज में इंजरी हो गई है स्पोर्ट्स की वजह से, तो ऐसे लोगों को भी आगे जा करके ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं प्रोवाइडेड दे हैव नॉट बी ट्रीटेड एडिक्वेटली. एक स्पेशल डीजनरेटिव मेनिस्कल रूट टेयर. मेनिस्कस एज आई टोल्ड यू कि ये जो पोर्शन है दिस इज कवर्ड विद मेनिस्कस, और ये मेनिस्कस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये कुशन होता है दो बोन्स के बीच में. यदि वो काम करना बंद कर देता है टेयर हो जाता है. स्पेसिफिकली फीमेल्स हु आर अराउंड 40 एंड हु हैव बोन लैग हु हैव ओबे हु आर ओबीस दे हैव हायर चांसेस ऑफ मेनिस्कल रूट टेयर. और वंस एकदम चलते चलते ऐसा हो गया कि एक झटका आया और उसके बाद बहुत पेन हुआ, और पेन होने के बाद में थोड़े टाइम के बाद में पेन तो कम हो गया लेकिन उसके एक दो साल बाद में जॉइंट खराब हो गया. जो यंग एज में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसका ये मुख्य कारण है, और उसको अगेन हम ट्रीटमेंट के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं सो दैट के आगे जा करके ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं हो. देन सिस्टमिक डिजीज. सिस्टमिक डिजीज जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, जॉइंट का इन्फेक्शन हो गया है, या दूसरे सिस्टमिक डिजीज है, इवन डायबिटीज है, ये इन सब में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं. ये सब हम कंट्रोल करें तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं.